ग्राम पीपल झोपा में सोमवार शाम को खेड़ापति हनुमान जी की प्रतिमा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे कि ग्रामीणों में जमकर आक्रोश व्याप्त है। घटना की जानकारी लगते ही मंदिर परिसर में ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। भगवानपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के खेड़ापति हनुमान मंदिर में अज्ञात बदमाश द्वारा तोड़फोड़ की गई, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति, नंदी आदि को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं घटना से आहत ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव बंद का ऐलान किया है। साथ ही जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर उस पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग पुलिस से की गई। फिलहाल भगवानपुरा पुलिस खरगोन से बुलाई गई FSL की टीम के साथ मंदिर परिसर में जांच में लगी हुई है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या मामला था भैया? आज लगभग 4 से 5 बजे के बीच में ग्राम पीपल लोपा में हमारे जो आराध्य भगवान है खेड़ापति हनुमान जी, उनकी मूर्ति को खंडित किया गया है। हम यहाँ थाने पे उसी विषय को लेकर आए और यह हम सभी हिंदुओं के आस्था का केंद्र पे आघात है, चोट है। हम सभी को बड़ा दुख है कि जब हमारे देवी देवता ही नहीं सुरक्षित है तो हम हिंदू समाज के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। इस बात को लेकर हम पिपलझोपा के सारे ग्रामवासी थाने पे आकर और FIR कराई है और जल्दी से जल्दी जो भी अज्ञात व्यक्ति है या व्यक्ति का समूह है उनको जल्दी से जल्दी प्रशासन कार्रवाई करे, उनको पकड़े। इसीलिए हम आज यहाँ थाने पे एकत्रित हुए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।